नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओडिशा के राजा रानी मंदिर के बारे में बताएंगे। राजा रानी मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इस हिंदू मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से इसे इंद्रेश्वरा नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप में इसे प्रेम मंदिर से जानते हैं, क्योंकि मंदिर में महिला और जोड़ों की कामुक नक्काशी दिखाई देती है। विभिन्न इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण 11 और 12वीं शताब्दी के बीच में बताते हैं, जिस वक्त पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। मूर्तियों की वास्तुकला शैली के आधार पर ये मंदिर मध्य 11वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का नाम राजा रानी इसलिए है क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई स्थानीय पत्थरों के नाम से पड़ा है। मध्य भारत के अन्य मंदिर की स्थापत्य कला इस मंदिर से उत्पन्न हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग राजा रानी मंदिर की टिकट युक्त स्मारक के रूप में देखभाल करता है। राजा रानी मंदिर दो संरचनाओं में ऊंचे मंच पर पंचर्थ शैली में बनाया गया है। मध्य के मंदिर को विमान कहते हैं, जिसके ऊपर 18 मीटर 59 फुट की ऊंचाई पर बड़ा है और एक पिरामिड की छत का देखने का हॉल है, जिसे जगमोहन कहते हैं। राजा रानी नामक स्थानीय लाल और पीले पत्थरों से मंदिर बनाया गया। यहाँ किसी पवित्र देवता की मूर्ति नहीं और इसलिए ये हिंदू के किसी विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित नहीं, लेकिन बड़े तौर पर शैव पंथियों का मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मध्य भारत के अन्य मंदिरों की वास्तुकला इस मंदिर से ही ली गई, विशेष रूप से खजुराहो मंदिर और कड़वा का तोतेश्वरा महादेव मंदिर। मंदिर की दीवारों में सभी तरफ मूर्तियां हैं और विमान जो शिव नटराज और पार्वती के विवाह के दृश्य दर्शाता है और जिसमें ऊंची और पतली नायिकाएं अलग अलग भूमिकाएं निभाती हुई दिखाई देती है, जैसे कि क्षणित सन्यासी की दूसरी तरफ सर फिरती हुई, किसी पेड़ की शाखा को पकती हुई, पालतू पक्षियों की देखभाल करती हुई, अपने बच्चों को प्यार करती हुई, शौचालय में जाती हुई, आईने में देखते हुई और संगीत के वाद्य के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। हर साल 18 से 20 जनवरी तक ओडिशा सरकार का पर्यटन विभाग इस मंदिर में राजा रानी संगीत समारोह का आयोजन करता है। मंदिर शास्त्रीय संगीत पर विशेष रूप से ध्यान देता है। अन्य तीन शास्त्रीय संगीतों पर भी, जैसे कि हिंदुस्तानी, कर्नाटक और ओडिसी संगीत को भी बराबर महत्व देता है। इस तीन दिन के त्योहार में देश के विभिन्न भागों में से संगीतकार आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। भुवनेश्वर संगीत मंडल की सहायता से 2003 में ये उत्सव शुरू हुआ। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।